चलिए सुपर सिक्सर में बढ़ते हैं आगे और अब खबर आपके सेहत से जुड़ी हुई, जिसमें बात होगी कोरोना के कैंसर कनेक्शन की। कोरोना की रफ्तार भले ही थम गई है, लेकिन कोरोना ने कई खतरनाक बीमारियों को दावत दे दिया है, जिसमें एक है कैंसर जैसी बेहद घातक बीमारी। कैसे कोरोना की वजह से कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ गई है, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना, जिसका नाम सुनते ही माथे पर शिकन आ जाती है। भले ही देश में कोरोना की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन कोरोना का असर खत्म नहीं हुआ है। कोरोना अब कई खतरनाक बीमारियों का जन्मदाता बन गया है। ऐसी बीमारी जो एक बार हो जाए तो इंसान का बच पाना मुश्किल है। ये बीमारी और ज्यादा खतरनाक और जानलेवा तब हो जाती है जब किसी कोरोना से संक्रमित हो चुके शख्स को होती है। कोरोना के कारण क्रॉनिक डिजीज जैसी गंभीर बीमारियां हो रही हैं। सवाल यह है कि आखिर क्रॉनिक डिजीज है क्या, तो गौर से सुनिए। इस रिपोर्ट को देखकर आप अपनी और अपने परिजनों की जान बचा सकते हैं। क्रॉनिक डिजीज मतलब ऐसी बीमारियां जो कम से कम एक साल और उससे अधिक समय तक रहती हैं, जिनके लिए लगातार इलाज की जरूरत होती है। क्रॉनिक डिजीज में डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग और किडनी से संबंधित बीमारियां आती हैं, और कोरोना के कारण कैंसर, लंग्स और किडनी की समस्या पहले से ज्यादा बढ़ी है। ये जो सिम्टम्स हैं वो इतने बुरे हैं कि जो गंभीर बीमारियों के जैसे लोगों को होते हैं, जैसे वीकनेस है, जो उन्होंने तुलना की है कि जिस तरह की वीकनेस अगर हम कैंसर के या कोई गंभीर रूप से कोई पेशेंट हो उनको होता है, उसी तरह की वीकनेस और उसी तरह की थकावट इवन इनमें भी देखी गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 शरीर के अंदर जीन पर सीधे हमला करता है। रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 वायरस P53 यानी शरीर में ट्यूमर को बनने से रोकने वाले जीन को नष्ट कर देता है, जिसके चलते कैंसर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ गया है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में कैंसर के 13,92,000 मरीज थे, जो 2021 में बढ़कर 14,26,000 हो गए, जबकि 2022 में यह आंकड़ा बढ़कर 14,61,000 पहुंच गया है। इनमें से ज्यादातर मरीजों को कभी न कभी कोरोना हो चुका है। इसके अलावा हार्ट अटैक के मामले में भी बढ़ोतरी हुई है, किडनी की समस्या भी बढ़ी है, जो कि खतरनाक संकेत है। अब भारतीय डॉक्टर कोरोना के इस खतरनाक हमले से इंसानों को बचाने में जुटे हुए हैं। टीम न्यूज नेशन। और यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए।